Good evening, everyone. Namaskar. I, Anushka, welcome you all to this wonderful literary evening to enjoy the next few hours with some of the best poetic luminaries of our country. So may I request our guest for today's event to come up on the stage and take the seat. I request Shri Nilotpal Mrinalji, Dr. Anil Chaubeji, Ankita Singhji, Kumar Rajat ji and Shri Chandan Dwivedi ji. May I request Soumya Saloni, Amrita, Archana and Jyotsna to welcome the guest of the evening by presenting a red rose. May I now request the guests of the evening to please come forward for lighting of the ceremonial lamp. May I also request Director Sir Dr. Rana Singh and all our faculty members to please come on the stage for the lamp lighting. May I now request everyone to please stand up for the national anthem. Good evening, everyone. Sammanit Geetkar Shri Nilotpal Mrinalji, Sammanit Hasya Kavi Shri Anil Chaubeji, Sammanit Kavyatri Shringaras Sushri Ankita Singhji, Sammanit Shayar Shri Kumar Rajat Ji, Sammanit Geetkar aur Kavi Chandan Dwivedi Ji, jo ki is karyakram ke sanyojak bhi hain, hamare beech maujood mananiya Dr. S.P. Singh Ji, jo ki CNLU ke
पूर्व कुल सचिव हैं और अभी अधिष्ठाता भी हैं सामाजिक विज्ञान के। सम्मानित मंच, आगंतुकों, संकाय सदस्यों, सीआईएमपी परिवार के सभी सदस्यगण, मीडिया के भाई बंधुओं, हमारे छात्र छात्राएं, मैं डॉक्टर राणा सिंह आप सभी को सीआईएमपी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कविता, गीत और शायरी को जान मान और पहचान दिलाने वाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के इस मंच पर उपस्थित होने से हम सब आह्लादित और अभिभूत हैं। आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह है इसी रवानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस मस्ती भरे शाम में आप सभी को पुनः आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now may I call upon our director, Dr. Rana Singh, to please present memento to our guest, noted lyricist, Shri Nilotpal Mrinalji. May I call upon Dr. Vijaya Bandhopadhyay to please present memento to our guest, noted poet Dr. Anil Chaubey ji. I request Dr. Vijaya Bandhopadhyay to please present memento to our guest, noted poetess Ankita Singh ji. May I call upon Dr. Anuj Sharma to please present memento to our guest, noted poet Shri Kumar Rajat ji. May I call upon Dr. Rajiv Verma to please present memento to our guest, noted poet and journalist, Shri Chandan Dwivedi ji. Thank you. Now it's time to hand over the lectern to noted poet Dr. Anil Chaubey ji. Sir, please. माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी उपस्थित महानुभावों को नमन करता हूँ। पूरे संस्थान परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करता हूँ। आज जो कवि सम्मेलन आयोजन किया गया है वो जितने कवियों को आमंत्रित किया गया था सबकी सादर उपस्थिति हो चुकी है। आधा कवि सम्मेलन यहीं सफल हो जाता है। एक और विशेषता है ये अपने बिहार की शांति और क्रांति की भूमि पे आज जितने कवि एकत्रित हुए हैं या संस्थान के द्वारा बुलाए गए हैं
वो सबके सब कवि बिहारी हैं, सबके सब कवि। हाँ, इसमें इतना हो करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत उतना वो नहीं है। बिहार ने बहुत कुछ दिया इस देश को, प्रथम राष्ट्रपति दिया, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिया, तो पूरे बिहार को, पूरे विश्व को स्कूटर पर भैंस लादने की कला बिहार ने दी थी। हम बिहार के लोग सामान्य होते ही नहीं हैं। झारखंड जब अलग हुआ तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप बिहारियों को दुख नहीं हुआ, इतना खनिज संपदा जब झारखंड और बिहार एक साथ था, तो इतना खनिज संपदा आपके साथ था, वो झारखंड अलग हो गया, सारा चीज तो उनके पास चला गया, आपके पास बचा क्या? हमने कहा हम बिहारी हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति में जो उत्सव मना ले वो समझिए बिहार का है। झारखंड जब अलग हुआ तो पत्रकार ने पूछा आपको दुख नहीं हुआ? हमका हमको कोई दुख नहीं हुआ, दुख बस इस बात का था कि जब हम समवेत थे तो हमारे पास एक ही पागल खाना था, वो झारखंड के हिस्से चला गया, पागल खाना झारखंड के हिस्से आ गया और पागल बिहार के हिस्से आ गए, यही हमारे दुख का विषय रहा। बिहार के इस श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में आप सबकी उपस्थिति है, हालांकि जो लोग खड़े हैं सम्मान में, मैं आपका सम्मान ग्रहण करता हूं, आप भी बैठ जाते तो कुछ कुर्सियां भरी भर जाती, कुछ देर बैठ जाइए, बस आपके आनंद उत्सव के लिए आयोजन है, पीछे कहीं बैठ जाइए सर, सर लोग नहीं देखेंगे पीछे घूम के। मैं डायरेक्टर सर से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आगे देखिएगा, आप पीछे मत देखिएगा कभी, और जीवन में आप पीछे देखे होते तो यहां तक कभी नहीं पहुंचे होते, ये भी जरूरी है, तो आप कभी भी पीछे मत देखिए। आपको आज बहुत आनंद आएगा, देश के हाँ वो कुमार रजत जी श्रेष्ठ गजलकार हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, कम समय में वैश्विक पहचान बनाई है इन्होंने अपनी, लेकिन अखबार से की नौकरी है तो बहुत छुट्टियां कम मिलती हैं, इसलिए यात्राएं थोड़ी कम करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से करते हैं। अपने पटना के ही रहने वाले हैं, अब यहीं रह रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा परिचय कराते चलते हैं। उनके बगल में जो चंदन द्विवेदी जी हैं, गीतकार शायर भी हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, और जाक ये पूरा आयोजन, ये पूरा संयोजन इन्हीं के मार्फत हुआ है, ये थोड़ी सी तालियां कमजोर हैं। हाँ, हम कवियों के पैसे कम करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए मैं बार बार हर कवि सम्मेलन में जब भी बिहार आता हूँ कोशिश करता हूँ कि इनके लिए बहुत सारी तालियां बजे, ताकि अगले बार से तो पत्रकार महोदय का कुछ जो है बढ़े, इसी कृपा की दृष्टि के लिए मैं इनका बिटिया अभी कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है। तो चंदन द्विवेदी जी हैं, अंकिता सिंह बहुत कम समय में काफी विदेश यात्राएं, अपने गया में इनका जन्म हुआ है, जहां लोग मृत्यु के बाद जाते हैं वहां से इनकी यात्रा शुरू हुई है, तो गया से आप हैं, दिल्ली में रहती हैं, कई देशों की यात्रा और अपने मतलब बिहार का गौरव, मैं तो इतना मतलब देश में जो गिनी चुनी कवित्रियां हैं उसमें कनिष्ठिका अधिष्ठित
पहला नाम यदि किसी का है तो वो अंकिता सिंह का है। ये हमारे गौरव का और हमारे सम्मान का विषय है। मैं बहुत ही हृदय से इनका स्वागत करता हूँ। और आदरणीय नीलोत्पल मृणाल, आप हमसे ज्यादा जानते हैं इनको, डार्क हॉर्स, औघड़, यार जादूगर जैसे तमाम कृतियां इनके नाम हैं, इनके द्वारा रचित हैं। साहित्य अकादमी जैसा बड़ा पुरस्कार जिनको प्राप्त है, जो अकेले अकेले कवि सम्मेलन है, इनका होना ही कवि सम्मेलन की पूर्णता की गारंटी है। कई पुरस्कार अभी लाइन लगा करके खड़े हैं। ये हमारे बिहार के गौरव हैं। अभी कल राज्योत्सव में भोपाल थे। थोड़ी सी और तालियों का घनत्व तो बढ़ा दीजिएगा भाई नीलोत्पल मृणाल जी के लिए। और मैं भी आप ही के बीच का हूँ। गोपालगंज में हमारा जन्म हुआ, बनारस में रहता हूँ। अनिल चौबे नाम है। थोड़ी तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिए। कवि सम्मेलन शुरू करता हूँ। आपको बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा ये इधर हमारे तरफ जो ठंडक हवा आ रही है इसको थोड़ी सी कम कर दीजिए। इधर इधर पीछे से बहुत ज़्यादा, इतने ठंडे में रहने की हमको आदत नहीं है, तो हाँ थोड़ी सी कम कर दीजिए इधर से। नहीं तो आदरणीय डायरेक्टर साहब एक एक रजाई से सबको सम्मानित कर दीजिए कवियों को, ताकि हम कविगण एक एक रजाई ओढ़ करके बैठे। आपको पूरा आनंद आएगा, चूंकि आप प्रबंधन संस्थान के लोग हैं, आपको एक अलग तरीके का अनुभव होगा। बस एक काम करना है आपको, कविता अच्छी लगे तो भी अपना समर्थन दीजिए। हालांकि आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से दे रहे हैं, इस तरह के श्रोता पूरे विश्व में कहीं पाए नहीं जाते। हमें डायरेक्टर सर, पूरे संस्थान और पदाधिकारी गण से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पटना में कहीं भी कवि सम्मेलन हो, श्रोताओं की सप्लाई यहीं से की जाए, यही लोग जाए। बहुत अच्छा है, आप सुन रहे हैं, कविता सुनने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। कविता कविता केवल शब्दों का कारोबार नहीं है, लेन देन सौदेबाजी व्यापार नहीं है। कबीर के जैसे जिसने अपना घर नहीं फूंका, उसको कविता लिखने का अधिकार नहीं है, उसको कविता लिखने का अधिकार नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि से कविता का जन्म होता है, जैसा हम भारतीय संस्कृति में मानते हैं। क्रौंच मिथुनादेकम में से क्रौंच जब बधिक के तीर से घायल हो जाता है, और क्रौंची का दर्द जब वाल्मीकि के हृदय से फूटता है, तब कविता का जन्म होता है। या कोई नीर भरी बदली महादेवी वर्मा की आंखों से बरसती है, तो कविता का जन्म होता है। या फिर इलाहाबाद की सड़कों पे पत्थर तोड़ती किसी बुढ़िया के हृदय के फफोले, हाथों के फफोले जब निराला के हृदय में फूटते हैं, तब कविता का जन्म होता है। सुदामा पांडे धूमिल कहते हैं कि कविता खाने कमाने की चीज है, चरित्र चमकाने की चीज है। ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो भाषा में आदमी होने की जो तमीज सिखाता है, वो काम कविता करती है। आइए हम कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में हम कोई भी मंगल काम, कोई भी शुभ काम शुरू करने के पहले माँ देवी की आराधना करते हैं। भगवती की आराधना के लिए वीणा पाणी के को शब्द पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं अंकिता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आए, माँ सरस्वती की वंदना करें और इस कवि सम्मेलन को गति प्रदान करें। अंकिता सिंह, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सरस्वती का ये आंगन है और यहाँ पर मुझे सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है। आप सबका मन चाहती हूँ, ध्यान चाहती हूँ, चित्त चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए।
माँ को आवाज लगाती हूँ और देखिए कहाँ विराजने को कह रही हूँ माँ से, सुनिएगा। छंद में हूँ बांध देती आज अपने भाव को, शारदे माँ तार दे तू भक्त की इस नाव को, दे मुझे माँ शक्ति की मैं लिख सकूं हर सत्य को, दे ललक माँ सीखने की ज्ञान के हर तथ्य को, इस धरा पर बढ़ रहा निर्बोधता का भार है, बेड़ियों में है बंधा और रो रहा संसार है, ज्ञान दामा कर कृपा और ज्ञान का शीश दे, श्रीपदा देवी सभी को बुद्धि विद्या दान दे, भूल कर अपराध मेरे तू क्षमा का दान दे, फिर सिर पर हाथ मेरे तू अपरिमित ज्ञान दे, साथ है माँ तू अगर तो बुद्धि अंतर वेद है, साथ है माँ तू अगर तो बुद्धि अंतर बोध है, उर्मे मेरे आबिराजो माँ यही अनुरोध है, माँ यही अनुरोध है। अब ये कभी और ये हाँ रख दीजिए, लेकिन कोई खाएगा नहीं अभी, जल्दी रख के निकल जाइए जल्दी। अभी तो गेस्ट हाउस में इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना लोग खाए हैं, इतने फिर भी आ गया खाने की चीज, चलिए जल्दी रख दीजिए और आपको हाँ रख के धीरे से निकल जाइए। हाँ ये खाने पीने का सामान देख के पंडित आदमी के मुंह में जो है पानी आ जाता है, तो वो बोलने की दिक्कत होती है। अब मत आइए, जब बुलाएंगे तब आइएगा, थोड़ा सा देख लेने दीजिए कि इन जिनको बुलाया गया ये खिलाने पिलाने लायक हैं कि नहीं, तो ये मैनेजमेंट संस्थान में जो है कि ये इस तरह से इतना उदार चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं होता है। पहला कभी हम आपके बीच में, आप बहुत बढ़िया, हमको विश्वास है कि ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविता सुनाने का आनंद ही कुछ और है। हम लोग तो वहाँ भी काम निकाल लेते हैं जहाँ मतलब 70% लोग अंगूठा छाप होते हैं, वहाँ भी हम कवि सम्मेलन मतलब कविता पढ़ के निकाल लेते हैं। एक निवेदन है आपसे, यदि हम माइक से कोई मान लीजिए कि नेता की बात कर दें, कुछ कटाक्ष की बात कर दें, तो उसको बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। उन नेताओं का संबंध बिहार के किसी भी नेता से नहीं है, गलती से कोई आ गया है या फंस गया हो तो समझ लीजिए कि नागालैंड, मिजोरम, इंग्लैंड उधर के नेताओं से हैं, वहाँ का भी कोई संबंधित है, रिश्तेदार यहाँ है तो समझिए इंग्लैंड, पोलैंड, होनोलुलु और उधर के नेता लोग हैं, यहाँ का कोई नेता नहीं है। हाँ पहला कभी हम आपके बीच में लाते हैं, इसी उत्साह के साथ सुनिएगा, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। पहला कभी सर, डायरेक्टर सर, ये होता है कि हलवाई जब जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है, तो पहला कभी हमारा भट्टी में झोंका हुआ न हो जाए इसकी गारंटी हम आपसे चाहते हैं। और पहला कभी बुलाते हैं, आपको बता देते हैं ये भी पत्रकार हैं और बड़े चर्चित पत्रकार हैं कभी के साथ, हमारे यहाँ के अदम गोंडवी साहब उत्तर प्रदेश के जनवादी कवि थे, बड़े श्रेष्ठ रचनाकार थे, उनने कहा कि हादसा बन के जो बाजार में आ जाएगा कहीं नहीं होगा, वो अखबार में आ जाएगा। हादसा बन के बाजार में आ जाएगा जो कहीं नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और तहे दिल से गुंडे मवालियों की कद्र कीजिए, पता नहीं कौन कब सरकार में आ जाएगा।
तो हम एक ऐसे गजल गो एक श्रेष्ठ रचनाकार को आमंत्रित करते हैं और आपसे आग्रह है, वही निवेदन है कि आप पहले कवि के आगवानी में, यह हमारा प्रथम पुष्प आपके बीच में है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कुमार रजत जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कुमार रजत जी अपनी रचनाओं के साथ। वाह, नमस्ते। सबसे पहले, क्योंकि भैया ने पहले ही बता दिया कि पहले कवि की क्या हालत होती है, मैं भी सोच के आया था कि जब कोई नई जगह होती है, जब नए टूर पे क्रिकेट टीम जाती है, जैसे ऑकलैंड में गए न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे बॉल किस तरह आएगी, तेज गेंदबाजी जब होती है तो बॉल किस तरफ स्विंग करेगी, उसका पता लगाने के लिए ओपनर को भेजा जाता है। उसके बाद ओपनर जैसा खेलता है, फिर बाद वालों के लिए जो पिच जो है वो आसान हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तालियों से मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि बाकी के कवियों को जो है ये आभास हो कि यहाँ अच्छी कविता सुनी जाती है। इससे पहले कि मैं अपनी शायरी सुनाऊँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ CIMP फैमिली का, सर का, कुमुद सर का, राणा सर का, जिन्होंने इतने श्रेष्ठ कवियों को बुलाया देश भर से, और चंदन द्विवेदी भाई का कि जो गुलदस्ता सजाने की जो रीत होती है कि गुलदस्ता में कौन सा फूल कहाँ फिट होगा, ये चंदन भाई समझते हैं। तो एक बार चंदन भाई और बाकी कवियों के लिए ताली बजा दीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले शेर सुनिएगा कि जितनी स्याह होगी रात, जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर आऊंगा, मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर आऊंगा। तो आप सब वो जुगनू हैं जो कभी ना कभी जब देश को जरूरत होगी अंधेरे में तो आप लोग चमकेंगे। अब इसके बाद फिर से सुनिएगा कि तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है। अभी अभी बचा है, अभी आ रहा है, आगे आ रहा है कि तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है और तेरा हिजर जाने जा यूं ही भुलाना है। तेरा हिजर जाने जा यूं ही भुलाना है, रफी की आवाज है साहिर का गाना है। वाह, रफी की आवाज है साहिर का गाना है। शुक्रिया। आप बच्चे हैं तो भैया ने जैसा बताया कि हम लोग कविता जब पढ़ने आए तो सर ने बोला कि बीच बीच में कविता के शक्ल में जो है वो ज्ञान की बातें भी दी जाए। तो कुछ बात कि देखिए, जब कोई आदमी सक्सेसफुल होता है, जैसे यहाँ नीलोत्पल भाई हैं, अंकिता जी हैं, भैया हैं, तो आप देखिए कि ये लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फलक पर हैं, चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है, तो जड़ें जो हैं आपकी वो जुड़ी रहनी बहुत जरूरी है जमीन से। तो ये चार लाइनें जो हैं भैया इसी पर समर्पित हैं कि लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, जो लगे ठोकर कदम आगे जाते हैं। लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, जो लगे ठोकर कदम आगे जाते हैं, और आसमां में पतंग अपने दम से नहीं, आसमां में पतंग अपने दम से नहीं, इस जमीन से फलक तक धागे जाते हैं। वाह वाह वाह, आसमां में पतंग अपने दम पे नहीं, इस जमीन से फलक तक धागे जाते हैं। शुक्रिया। अब गजल पे आता हूं मैं, सुनिएगा गजल और कुछ शेर। शुक्रिया। कि सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। झूठ को किस तरीके से, झूठ जो है आज की जरूरत हो गई है बाजार में और समाज में, तो झूठ को एक पॉजिटिव सेंस में कहने की कोशिश की गई है, एक व्यंग है। सुनिएगा कि सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो, डर लगता है छोड़ो अच्छा झूठ कहो।
वाह वाह। सच तो सच है, चाहे जितना झूठ कहो, डर लगता है छोड़ो अच्छा झूठ कहो। और रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से, रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से कम थोड़ा तो पक्का झूठ कहो। वाह। रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से कम थोड़ा तो पक्का झूठ कहो। और सच कहने में कितने रिश्ते टूट गए, सच कहने में कितने रिश्ते टूट गए, है ये दुनियादारी आधा झूठ कहो। वाह। है ये दुनियादारी आधा झूठ कहो। और भैया ने कहा कि नेताजी की बात समझ लीजिएगा कि नागालैंड मिजोरम वाला है, तो ये नागालैंड मिजोरम वाला ही शेर कह रहा हूं मैं कि जुमलों पे जुमले हैं वादों पे वादे, जुमलों पे जुमले हैं वादों पे वादे, नेताजी से तुम भी थोड़ा झूठ कहो, नेताजी से तुम भी थोड़ा झूठ कहो। और ये शेर कि बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो, बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो, चांद पे रहती है एक बुढ़िया झूठ कहो। वाह वाह। चांद पे रहती है एक बुढ़िया झूठ कहो। शुक्रिया। थोड़ा ज्यादा डूब के सुन रहे हैं, थोड़ा नहीं वो थोड़ा सा हताश हो गया कि चांद पे बुढ़िया रहती है। हाँ अच्छा ठीक है, तो आता हूं इसको लेके थोड़ा सा वो चिंतित हो गया कि चांद पे तो आज तक मतलब दूसरी कल्पना किए थे। आएगा वो भी आएगा, और ये चांद पे बुढ़िया कहाँ से रह गई। बहुत सुनिएगा कि सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं। सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं। और एक ये आदत माँ की याद दिलाती है, एक ये आदत माँ की याद दिलाती है, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं। एक ये आदत माँ की याद दिलाती है, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं। और जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, भैया ने जैसे तारीफ की, जो लोग आज हमारी परंपरा है कि जब लोग चले जाते हैं तब हम लोग उनको याद करते हैं, फेसबुक पर श्रद्धांजलि देते हैं और बताते हैं, जरूरत है कि जो नए लोग जो आगे निकल रहे हैं उनकी तारीफ की जाए। तो ये शेर सुनिएगा कि जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं। जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं। शुक्रिया। कुछ गजल के पंक्तियां सुनिएगा कि जिंदगी में यूं तन्हा बहुत कम रहा भैया, जिंदगी में यूं तन्हा बहुत कम रहा, पहले तू रही फिर तेरा गम रहा। बस बस बस। दरअसल भैया सब गम ज्यादा हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। कि जिंदगी में मैं तन्हा बहुत कम रहा, पहले तू रही फिर तेरा गम रहा, और तुझसे बिछड़े हुए भी बरस हो गए, तुझसे बिछड़े हुए भी बरस हो गए, बाद तेरे मगर एक ही मौसम रहा। तुझसे बिछड़े हुए भी बरस हो गए, बाद तेरे मगर एक ही मौसम रहा। और गमजदा जो युवा हैं वो सुने कि यूं रखे हाथ तूने मेरे हाथ पर, वाह, तुझसे बिछड़े हुए भी बरस हो गए, बात तेरे मगर एक ही मौसम रहा। और यूं रखे हाथ तूने मेरे हाथ पर, जख्म पर देर तक जैसे मरहम रहा। हाय हाय। यूं रखे हाथ तूने मेरे हाथ पर, जख्म पर देर तक जैसे मरहम रहा। और शेर ये है कि दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र। भैया वाह वाह वाह। आप लोग जो भैया ने कहा कि जो कविता और गजल समझते हैं वो लोग हैं, तो ये आप समझिएगा कि कहां बात पहुंचाने की कोशिश है कि दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र, दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र, मौत का तेरहवीं तक ही मातम रहा। दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र, मौत का तेरहवीं तक ही मातम रहा। एक गजल और उसकी चार मिनट से सुनिएगा कि यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है,
लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। और एक मिसरे की खातिर शायर सौ सौ रातें जगता है। एक मिसरे की खातिर शायर सौ सौ रातें जगता है, तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है। तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है। और घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। आंगन के बंटवारे को बस एक निशानी लगती है। घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। आंगन के बंटवारे को बस एक निशानी लगती है। और सूरज की भी कद्र यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है भैया। सूरज की भी पूछ यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है। धूप से जलने वालों को ही धूप सुहानी लगती है। धूप से जलने वालों को ही धूप सुहानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। एक नई गजल है भैया, स्वागत है। कि इसमें एक शब्द आएगा आस्ते आस्ते, तो बिहार में, बिहार का ये बड़ा देशज शब्द है भैया, कि धीरे धीरे को कहते हैं आस्ते आस्ते। उसको मैंने गजल में पिरोने की कोशिश की है कि ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते। वाह। ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते, आ रही रुत नई आस्ते आस्ते। ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते, आ रही रुत नई आस्ते आस्ते। अब मेरे दिल में घर है किसी और का, अब मेरे दिल में घर है किसी और का। हाँ मगर तुम गई आस्ते आस्ते। हाय वाह वाह वाह। अब मेरे दिल में घर है किसी और का। बहुत अच्छा। हाँ मगर तुम गई आस्ते आस्ते। और प्रेम में नजर देखिए कि बाद 40 के उम्र ऐसे ढली। भैया पे लिखे हमें, अनिल भैया पे, कि बाद 40 के उम्र ऐसे ढली, ढल रही हो नदी आस्ते आस्ते। हाय हाय। बाद 40 के उम्र ऐसे ढली, ढल रही हो नदी आस्ते आस्ते। शुक्रिया। यहां तक मेरे शेर का सफर था। अब मैं दो कविताएं सुनाऊंगा जो भैया चंदन भाई ने कहा है। एक पलायन कविता है और एक छठ की कविता है। और ये दोनों कविताएं काफी वायरल हुई हैं। छठ सुनाने का प्रायोजन नहीं था, लेकिन भाई ने कहा कि छठ आज नहाए खाए शुरू हो गया है, तो छठ सुना दीजिएगा। तो मैं छठ की कविता सबसे आखिर में सुनाऊंगा। अभी मैं पलायन सुनाता हूँ, 5 मिनट का समय लूंगा। देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि यहाँ कितने बच्चे बाहर से आए हैं, पटना के बाहर से कितने बच्चे हैं? हाथ उठा देंगे कृपया एक बार, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी बैठे हुए हैं, तो ये कविता उन बच्चों के लिए भी है और उन अभिभावकों के लिए भी है। कविता की पृष्ठभूमि ये है सर कि जब बेटियों की विदाई होती है तो हम लोग माँ बाप रो लेते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जो है वो बेटों की भी विदाई होती है। जब बेटे 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, या कहते हैं कि मैं CIMP में पढ़ने जा रहा हूं या दिल्ली जा रहा हूं, बेटों की विदाई उसी समय हो जाती है। वो घर से निकलते हैं कि माँ मैं लौट के आऊंगा, मगर पूरी तरह नहीं लौटते, वो शहर के ही हो जाते हैं और पीछे माँ बाप छूट जाते हैं। इस पर ये कविता है, आप सुनिएगा। कि पहले होती थी विदा बेटियां, पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा कि ऐ दिल्ली मुंबई में रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो। ऐ दिल्ली मुंबई में रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो। कभी दोस्त वोस्त, कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो। आकर देखो, आकर देखो, पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। आकर देखो, पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर परिवार तुम्हारा टूट गया। शुक्र है कि माइक जो है वो चल रही है। मैं पढ़ता हूं कि अब अच्छा लग रहा है। ऐ दिल्ली मुंबई में रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो। कभी दोस्त वोस्त, कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो। आकर देखो, आकर देखो, पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर परिवार तुम्हारा टूट गया। छत आंगन
कमरा बिस्तर, छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। वाह वाह। अभी होली का त्योहार गया है, जब बच्चे घर पे लौटते हैं तभी घर की रौनक बढ़ती है। तो उस पर ये दूसरा जो लाइन है, दूसरा जो पैरा उस पर है कि होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। जब आप बच्चे घर जाते हैं कि होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। तू जब भी नहीं घर आता है, माँ भर भर आंसू रोती है। और बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता, बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। तुम तो वीकेंड मनाते हो, वहां कोई त्योहार नहीं होता। वाह वाह। बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता, तुम तो वीकेंड मनाते हो, वहां कोई त्योहार नहीं होता। कैसे बीता बचपन घर में, यादों के कांटे बोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। वाह। ये कविता यहीं तक थी। तो बच्चों ने कहा कि पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना जरूरी है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना जरूरी है, तो हम क्या करें सर, उसका कुछ समाधान भी बताइए। तो मैंने ये चार लाइनें फिर बाद में जोड़ी इस कविता में कि माना पैसा बहुत जरूरी है, माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। और अपने माँ बाप को सोच के आखिरी की दो पंक्तियां सुनिएगा कि तुम ना आओ ये दूरी है। आकर देखो, आकर देखो बूढ़े तन मन, आकर देखो बूढ़े तन मन, उम्र वो कैसे ढोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। अब आखिरी कविता जो छठ की बोला गया, मैं पढ़ देता हूं। ये 2014 में लिखी गई थी छठ पर ये कविता, और आप लोग अगर छठ पर मैसेज करते होंगे तो ये हर साल वायरल होती है, खासकर कार्तिक छठ के समय वायरल होती है। अभी भी छठ का है, चैती छठ है। मैं पढ़ देता हूं कि ये छठ जरूरी है, ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए। ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आपके लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं। ये छठ जरूरी है उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है, और जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी सलाम करता है। ये छठ जरूरी है, ये छठ जरूरी है गागर नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी उतना ही महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी। शुक्रिया।